स्टार्ट हम लेकिन कर रहे हैं वो कलर टोन स्टिल मौजूद है बट द प्रोसेस दे आर मेकिंग वो उस कलर को यूज करने के लिए वो प्रोसेस और अब का प्रोसेस वो डिफरेंट है राइट वो ब्लू टोन जो स्टोन एज में यूज होती थी या ग्रीक्स में या उसको आप देखो इजिप्शियन आर्ट में राइट वो ब्लू टोन स्टिल यूज होती है यू आर प्रोड्यूसिंग दैट टोन ऑल्सो राइट फ्रॉम द पोस्टर कलर आप लोगों ने बनाए है ना उन्हीं उन्हीं कलर टोन को पोस्टर कलर के साथ बट द प्रोसेस इज चेंज वो कलर उन्होंने स्टोन को एडॉप्ट किया राइट वो आपने सर्च किया तो उसमें प्रोसेस आ गया था ना कि वो किसी स्टोन को मेसी करके या ग्रीन कलर है तो किसी लीव्स में से निकाला हुआ था स्टोन से निकाला था या किसी केमिकल रिएक्शन से प्रोड्यूस किया हुआ था रेड टोन येलो बट वो प्रोसेस डिफरेंट था और जो अब आप लोगों ने क्रिएट किया है वो इट इज इजी ऑल्सो अब इसमें इज राइट स्टोन स्टोन का कलर टोन मौजूद है जो पहले यूज किया जाता था किस टाइम पीरियड में स्टार्ट हुआ था कलर टोन किस टाइम पीरियड का इजिप्शियन यूज्ड और उसके बाद उसके कलर टोन को आपने सेम कलर क्रिएट कर लिया उस कलर को ऑब्जर्व करते हुए कि इसके अंदर कौन कौन से शेड्स हैं वो आपने खुद बनाए विद द हेल्प ऑफ एनी अदर मटेरियल जो आजकल टाइम पीरियड में हमारे मौजूद है ठीक है आपने ये प्रोसेस यूज नहीं किया बट यू आर प्रोड्यूसिंग द सेम रिजल्ट सेम है आ रहा है ना जो ये रिजल्ट था जो ये रिजल्ट था तो आपको इस प्रोसेस के बताने का मकसद क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि ये कलर्स हमसे कई सदियां पहले ठीक है ये कलर्स बन चुके हैं बट उनको बनाने का प्रोसेस क्या था वो डिफरेंट था अगर हम मेलाटाइट कलर को देखते हैं तो ये भी एक ग्रीन की शेड स्टोन है जिसमें एक स्टोन है ठीक है उसको केमिकल प्रोसेस किया जाता है उसके बाद ये ग्रीन कलर को निकला समझ आ गई इस सब प्रोसेस को देखने के बाद में हर से आपको यहाँ पे इनके लिए भी लिखना चाहिए कि ये किस इजिप्शियंस ने यूज किया सबसे पहले से बनाया या इसको ग्रीक्स ने बनाया था या रोमन से ये स्टोन एज में बने ठीक आप लोग अपने इसमें ये भी ऐड कीजिएगा यहाँ साइड पे छोटा सा लिखने चले जाइएगा कि किस टाइम में चलिए अच्छा ये अमेंडमेंट्स आई थी पेंटिंग टाइम के जब हमने पेंटिंग पढ़ा था ठीक है जब कलर्स को यूज किया था उसी के साथ टेक्निक्स ऐड हुई थी कौन कौन सी टेक्निक्स लिखी थी आप टेम्परा एंड फ्रेस्को एंड ग्राउच गुड पेस्टल एंड एक्रेलिक्स तो एक्रेलिक्स इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑयल पेंट्स के बीच में ये वो टेक्निक्स जो स्टार्ट में यूज होती थी ग्राउच में जब शाइन लाने के लिए वो एग वाइट यूज करते थे या ऐड किया जाता था एग वाइट सेम इज द प्रोसेस कि अब हम एक्रेलिक पेंट यूज करते हैं उसमें ऑटोमेटिकली शाइन क्रिएट की गई जस्ट लाइक दिस जो आपको खुद से क्रिएट करनी है बट आपको उस पहले वाले प्रोसेस का नहीं पता कि ये ही पर्पस पहले जब इस पर्पस के लिए पेंट किया जाता था तो वो उसमें क्या ऐड किया राइट तो आपको ये बेस लाइन का पता होना चाहिए उसके बाद आप उस प्रोसेस में बहुत सारी और चीजें ऐड कर सकते हो अब इस कलर टोन को जो आप पोस्टर्स के साथ बनाए ये आप डिफरेंट और मीडियम्स हैं जिसके साथ बना सकते हो और आपको पता हो कि ये कलर एजोराइट स्टोन के साथ भी बना था किसी टाइम पीरियड में आर्टिस्ट ने इसको पेंट किया था इस कलर को बनाकर उसके बाद यूज किया था सिर्फ यही नहीं आइडिया होना चाहिए कि आप ट्यूब निकालेंगे कलर पैलेट पे ट्यूब से और उसके बाद उसको पेंट करना शुरू क्लियर हो गया अच्छा अब पेंटिंग के बाद आज हम पढ़ेंगे टू प्रिंट मेकिंग डिड नॉट कम इनटू एग्जिस्टेंस इन वेस्टर्न आर्ट अंटिल द प्रिंट मेकिंग स्टार्ट हुई जब पेपर मेकिंग स्टार्ट हो गई थी ठीक है और आफ्टर या इन द मिडल ऑफ द 12th सेंचुरी राइट द फर्स्ट प्रिंट्स वर इन द फॉर्म ऑफ वुड कट्स एंड वुड एंग्रेविंग्स अच्छा सिंपल इज द फॉर्म के अब आहिस्ता आहिस्ता प्रोसेस आपको बताने का मकसद क्या है ये प्रोसेस आपको लर्न करना चाहिए कि पहले आर्ट वर्क कैसे होता था और उसके बाद अब क्या अमेंडमेंट्स हैं ताकि आप उसमें मजीद चेंजेस लेकर आ सकें ठीक है जब तक आपको उस बैकग्राउंड का पता नहीं होगा आप उसमें आगे काम नहीं करेंगे आप ड्राइंग में जब तक मेजरमेंट का आपको आइडिया नहीं है वॉल्यूम का पता नहीं है लाइट एंड डार्क का आइडिया नहीं है आपके परफेक्ट ड्राइंग तक मूव कर सकते हैं ठीक है हमेशा उसका बैकग्राउंड को पहले लर्न करना इम्पोर्टेंट होता है ठीक है अब प्रिंट मेकिंग
इज अ टेक्निक के जैसे हमने पेंटिंग में स्टार्ट में देखा था कि वॉल पे पेंटिंग स्टार्ट की थी, फ्रेस्को टेम्परा ये वॉल पेंटिंग थी ना, बड़े बड़े पैनल्स पे उसमें स्मॉल साइज पे आना स्टार्ट हो गए थे, आए थे ना स्मॉल साइज पे, मूवेबल पेंटिंग पोर्टेबल पे आ गए थे, फिर स्मॉल साइज में नेचर तक पहुंच गए थे, राइट। अब वो पेंटिंग फिर भी टाइम ले रही है, इट इज टाइम टेकिंग प्रोसेस कि आपने आर्ट के लिए कुछ भी उस पर इन्वेस्ट किया है, अपना टाइम इन्वेस्ट किया है, कलर्स लगाए या बनाए या खुद से इस प्रोसेस को वो यूज करते थे तो उसमें कितना टाइम लग जाता है, ठीक है। तो उस प्रोसेस को देखते हुए अगर आर्टिस्ट ने मूव किया, उसका पेपर बनना शुरू हो गया था 12th century, तो उन्होंने प्रिंट मेकिंग की तरफ ऐड करना शुरू हुआ, जैसे एक पेंटिंग बन गई है हम उसकी जैसे दूसरी नहीं बना सकते, है ना, उसमें कोई ना कोई डिफरेंस होगा, या उसके से तीसरी नहीं बना सकते। अगर रिक्वायरमेंट है कैसे 10 चाहिए कोई एक आर्ट वर्क है, उस तरह अगर हमें 10 चाहिए पीसेस, तो वो नहीं क्रिएट किए जा सकते, कर सकते हैं बट इट टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम, कलर नहीं बनता और उसमें टाइम भी बहुत लगता है, मतलब मैन पावर इसमें बहुत बढ़ जाएगी अगर हम इसको इस तरीके से देखते हैं। तो इसका सिंपलेस्ट वे था प्रिंट में, ठीक। अब आर्टिस्ट को पता है कि हमने कलर को किस तरह से बनाना है, किस प्रोसेस से गुजरना है, उन्होंने उसको और सिंपल किया, जो प्रोसेस अब आप लर्न कर रहे हो कि उन्होंने प्रिंट मेकिंग स्टार्ट कर दी। मीन्स एक चीज का, एक जैसे वुड कट या वुड इंग्रेविंग्स बनाए, एक चीज का लेआउट क्रिएट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ पीस ऑफ वुड, ठीक, इसके ऊपर मैं इंग्रेविंग कुछ चीज कार्व कर लिया, कोई सा भी डिजाइन। उन्होंने क्या किया कि उसको रिपीट करने के लिए, ठीक, क्या प्रोसेस किया, उसके ऊपर इंग्रेविंग्स करना स्टार्ट कर दी, कार्विंग्स की, उसके ऊपर पेंट लगाया वंस और उसके 10-15 hundreds तक के इमेजेस ले लिए सेम प्रिंट के साथ, सेम प्लेट के साथ, ठीक है, इजी हो गया ना, क्लियर हो गया। एक वो चीज जो रिपीट करना हमारे लिए एक टाइम पे टफ है, वो कलर जो बनाना, जैसे अब आप लोगों ने ये वन डे असाइनमेंट थी ना अटेम्प्ट कर ली, बट इस प्रोसेस में कितना टाइम लगा होगा, टेल यू इमेजिन, पहले रिसर्च की होगी किस स्टोन को किस तरह केमिकली प्रोसेस करें तो जाके ये कलर हमें मिलेगा, इसमें कितना टाइम लगा होगा और इसमें कितना टाइम लगा। इस तरह कि अब पेंटिंग को जब हम देखें, सॉरी प्रिंट मेकिंग में, तो उन्होंने पैनल्स बनाए उनके और उसके ऊपर इमेजेस को कास्ट किया और उसको रिपीटेडली प्रिंट आउट निकालने शुरू कर दिया, ठीक है। आपको ऐसे आइडिया हो जाएगा कि जैसे आपने वो देखे हुए जो कपड़ों के ऊपर मार्केट में डिजाइन बनते हैं, देखे हुए ना सबने, दिस इज अ सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है, कि आप कोई भी इमेज का एक रेप्लिका निकाल देते हो बट उसका उलट, है ना, मिरर इमेज, मिरर इमेज आप कार्व करोगे और जब उसका प्रिंट लोगे तो वो करेक्ट आएगा और उसको आप रिपीट, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता स्टोन एज से लेके इस टाइम पीरियड तक हम स्लोली पढ़ते चले आ रहे हैं कि आर्ट वर्क में मटेरियल्स में क्या क्या प्रोसेसेस हुए थे और कैसे सिंप्लीफाइड होते चले, ठीक है, उसमें न्यू थिंग्स ऐड होते चलेंगे। अब देखिए, अब ये ऐड हो गया ना कि कहां हमने वो पढ़ा था कि जो वॉल के ऊपर टेम्परा टेक्निक में या फ्रेस्को में वो क्या करते थे, पहले उसे पेंट किया है, उसको प्लास्टर लगाया, उसके बाद उसको हमें वेट ऑन वेट पेंट किया है, राइट, और अब वो इस प्रोसेस तक आ गए हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम कि वो प्रिंट्स निकाल सकते हैं बड़े मजे से, एक ही इमेज के वो थाउजेंड्स प्रिंट्स दे लेंगे, राइट। अच्छा, एज टूल्स एंड टेक्निक्स इम्प्रूव एंड न्यू मटेरियल्स वर डिस्कवर्ड, रिलीफ प्रिंटिंग बिकेम मोर रिफाइंड इन प्रेजेंट टाइम्स आफ्टर सेंचुरीज ऑफ मॉडिफिकेशंस एंड इम्प्रूवमेंट्स। Just about anything that will leave an impression on a material is used in printing. Tools and techniques obviously both improve. ठीक है? Tools in a sense कि अगर colors को इस process से बना रहे हैं, तो जब आहिस्ता आहिस्ता ये आपके tools change हो रहे हैं, this is the process कि आपने tools की change की है। इसको grind किया होगा, इसपे chemical reaction कुछ ना कुछ create किया होगा या all of these. Now this can subtly add to the way one perceives and enjoys a print. It is important to first look at the image and then look beyond it. Look at the image and look beyond it. Most important thing. Okay, image ko dekhe and look
बियॉन्ड इट, अब यहाँ तक प्रोसेस हो चुका है, अब उसके आगे बढ़ना है, ना कि हम उसी प्रोसेस पे रुक जाने, जैसे कि कलर आपने बना लिए आप यहीं पे रुक जाएंगे, आपको इससे आगे जाना चाहिए ना। जो लोग यहाँ से यहाँ तक पहुंचे हैं उन्होंने भी तो कुछ रिसर्च की है, बट यू आर डूइंग नाउ, ये आपने सोचना है कि हम उसी प्रोसेस को अडॉप्ट करेंगे, हमने उससे आगे नहीं बढ़े। हम लोगों ने भी क्या प्रोसेसेस पढ़े कि एक प्रिंट निकालने के लिए कितनी चीजें यूज होती हैं, आप किसी एक प्रोसेस को, टेक्निक को, लेआउट को, या जो वर्किंग स्टाइल है उसको, किसी भी चीज में आप अपना चेंज लेकर आ सकते हो, ठीक है। अब ये आर्टिस्ट है जिसके अभी हमने राइट डाउन ये पैराग्राफ पढ़ा, उसने भी तो यही कहा कि प्रिंट मेकिंग की अभी हमने वुड कट देखी थी, ठीक है, फिर उसकी टेक्निक्स में काफी सारी चेंजेस आए, कोलोग्राफ बनना शुरू हो गए, वुड कट थे, एचिंग थी, एम्बोसिंग। ये जब आप इस टेक्निक पे जाएंगे तो आप ये सब करेंगे एक्टिविटीज, ठीक है, तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। बट अभी मैं सिर्फ उसके नाम बता रही हूँ कि ये इवन उस एक प्लेट में भी इतने सारे अमेंडमेंट्स आ गए हैं, वो जो टेक्निक यूज हो रही है उसमें भी काफी सारी चीज है, कोलोग्राफ है, लिथोग्राफ है, एचिंग है, क्लियर हो गए, बस हर चीज चेंज हो रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम, उस प्रोसेस को चेंज किया जा सकता है, क्योंकि हर स्टूडेंट या हर आर्टिस्ट या हर वर्किंग मैन के पास अपना माइंड है, तो उसको चेंज करना चाहिए, या पिछले कुछ स्टेप्स पे चलते रहे चलते रहे चलते रहे, चेंज करना चाहिए, ठीक है। तो जब तक आप ये खुद से प्रोसेस को नहीं लर्न करेंगे कि एक चीज में चेंज आया था मैं उसमें क्या आया था, अगर आप ये सोचेंगे नहीं तो आप कर भी नहीं सकते, फिर आप उन्हीं फुट स्टेप्स पे ही चलते रहेंगे, तो लास्ट क्लास में इतना असाइनमेंट किसी नंबर लेकर ही रहेंगे, इसके आगे नहीं बढ़ता, क्लियर हो गया। प्रिंट मेकिंग टुडे इज अ कॉम्प्लेक्स डिसिप्लिन ऑफन एनकंपासिंग सेवरल प्रिंट मेकिंग मीडियम्स इन वन प्रिंट, इवन एक प्रिंट पे आप डिफरेंट मीडियम्स भी यूज कर सकते हो। लास्ट क्लास में मैंने बाहर आपको काम दिखाया था, डिस्प्ले हुआ था, उसमें एक प्लेट थी, वो एक असाइनमेंट है, उसको आप प्लेट कंसिडर करें, उस पे काफी मीडियम्स हुए हुए थे ना, उसमें कोलाज भी था, वाटर कलर भी था, एक्रेलिक थे, पेंसिल भी था, चारकोल भी, मुझे कुछ बच्चों ने नजर आई थी, कुछ चारकोल कुछ ने पेंसिल यूज किया, तो एक ही प्लेट थी जिसपे डिफरेंट टेक्निक्स यूज हुई थी, डिफरेंट मीडियम्स यूज हुए थे, राइट। आर्टिस्ट में इनकॉर्पोरेट फोटोग्राफी, स्कल्पचर, प्रिंटिंग एंड ड्रॉइंग इन टू देयर वर्क, इनोवेटिव सिंगल प्रिंट्स मे बी प्रोड्यूस्ड एज वेल एज एडिशंस विच आर अ सीरीज ऑफ आइडेंटिकल प्रिंट्स मेड फ्रॉम वन प्लेट, ईच प्रिंट नंबर्ड अगेंस्ट द टोटल नंबर ऑफ प्रिंट्स मेड सच एज 1/50, 2/50 और सो ऑन अंटिल द फाइनल नंबर 50/50 इज रीच्ड। ये तो एक है जो आपने प्रिंट बना लिया था, एक अपना एक प्लेट डिजाइन कर लिया, ठीक है, उसके बाद आपने आर्टिस्ट हमारी रिसर्च फाइनल हो गई है, कुछ ना कुछ हमने सर्च कर ली है,
क्लियर हो गया क्लास? अच्छा इंटरव्यू मेथड ये भी सेम ही है, जिस तरीके से नीचे देखिए इमेजेस बने हुए हैं कि एग्जांपल ऑफ अ किचन, ये सिंपल लाइंस के साथ उसमें शेप क्रिएट किया, जैसे मैंने कहा था आप ड्राइंग बनाते हो है ना, तो ये लास्ट वाले में देखिए आपको आइडिया हो जाएगा कि स्ट्रेट लाइंस लगी हुई है तो हमें आइडिया हो रहा है कि ये जी आगे कोई इफेक्ट है कोई घास का, देवी समथिंग। पीछे वाले देखें कुछ लाइंस डिफरेंट है, प्लांट्स की लाइंस डिफरेंट है, वो पौधों के इफेक्ट दे रही है, वो डेजर्ट लुक दे रही है, कोई हाउस बना हुआ है बिल्डिंग बनी हुई है तो उसकी लाइन डिफरेंट है। दिस इज इचिंग, इसमें कहीं शेडिंग नहीं है, है ना, इसमें कहीं कलर टोन यू नहीं आ रही कि वो हाउस में आप घूम कर दो नहीं, लेकिन फिर भी हमें पता चला क्या क्या बना है, इसको गौर से देखे तो है ना। तो सिर्फ दिस इज द यूज ऑफ लाइन, लाइन को इस तरीके से यूटिलाइज किया गया तो हमें इमेज क्लियर पता चल रहा है कि क्या बनाया गया। अच्छा होलोग्राफ पेज नंबर 51। अभी पीछे हमने ये देखा था कि इंटेग्रियो मेथड या एचिंग जिसमें हमने सिंपल लाइंस के साथ प्लेट प्रोड्यूस की, ठीक है, उसमें कलर्स की वैरायटी लगे करा सकते हो और उसका प्रोसेस चेंज कर सकते, ठीक है, कोई आपने मोनोक्रोम के टीप में ले ली किसी में आपने डिफरेंट कलर ऐड कर दी, बट अब हम आते हैं कोलोग्राफ पे। दिस इज द प्लेट जिसमें आप जरूरी नहीं है सिंपल आपके हाथ में, अब देखो अभी प्रोसेस चेंज हो रहा है, ठीक है, कि आपने फिर अपना टूल ही उठाना है और उसका कोई ड्रॉ करना है, इसमें आप उसके ऊपर कोलाज कर सकते हो अपने प्लेट, सैंड यूज कर लो, थ्रेड यूज कर लो, कोलाज किया था आप लोगों ने, कुछ स्टूडेंट्स ने जब मैंने एक्टिविटी करवाई थी कि आप घरों से मीडियम सर्च करके आए तो डिफरेंट प्लेट्स डिजाइन की हुई थी पेपर के ऊपर, कुछ ने टिश्यू के साथ टेक्सचर क्रिएट किया हुआ था, कुछ ने थ्रेड के साथ किया हुआ था, तो आप लोगों ने क्या कोलाज किया हुआ था, कुछ ने रेत यूज की थी, कुछ ने सील्स यूज किए थे, ये थे याद आ गया, वही प्रोसेस है, वो भी तो आपने पेपर डिजाइन किए थे ना, है ना। तो इन्होंने क्या किया कि आपने वही प्लेट बनानी है बट क्रिएटेड फ्रॉम डिफरेंट मीडियम, पेंट लीव्स, लीव्स भी पेस्ट किए हुए थे बहुत से स्टूडेंट्स ने, तो क्लॉथ स्ट्रिंग एनीथिंग दैट कैन बी ग्लूड, कोई भी ऐसी चीज, इट इज अप टू यू, आप लोग कर चुके हो इसको, थोड़ा सोचो, आप लोगों ने काफी मटेरियल सर्च किया था वो उसे टेक्सचर्स क्रिएट किए थे, ठीक है, तो ये वही टेक्सचर्स क्रिएट हुए, इमेज लेने के लिए आपने सर्च की, बहुत सारी ऐसी चीजें, फॉर एग्जाम्पल जो थ्रेड है, तो थ्रेड का इफेक्ट है, एक थिक होती है एक थिन होती है ना, अगर वो इसके ऊपर काम करने बैठ जाए तो शायद वो शेप ना आए जो थ्रेड डायरेक्ट लगा गया है ना। तो हम आर्टिस्ट ने क्या किया, चेंज कोलोग्राफ टेक्निक स्टार्ट कर दी, कि हमने अपनी प्लेट के ऊपर व्हेन ड्राई द प्लेट इज इंक्ड विद अ ब्रश पेस्ट करें, जब वो ड्राई हो जाए उसकी इंक सॉरी ग्लू, तो उसको आप इंक लगाओ विद सेवरल कलर्स, द कंपोजिशन इज देन वाइट लीविंग इंक इन द इंटेंडेड एरियाज, कलर इज यूजुअली अप्लाइड टू द सरफेस एरियाज विद रोलर्स और ब्रशेस बिफोर द प्रिंट इज पास थ्रू द प्रेस। तो अब इसमें क्या चेंज आया, पहले हमने प्लेट्स चेंज की थी, ठीक है, और उसके ऊपर जो रिजल्ट था उसके अकॉर्डिंग पहले वुड पे काम कर रहे थे सेम प्रोसेस के साथ, उसके बाद हमने मटेरियल चेंज किया मेटल पे आ गए, और मेटल में क्या चेंज लेकर आए, टूल्स चेंज हुए, सिर्फ कोई भी आउटसाइड अदर देन टूल्स मटेरियल लिया, उसके साथ टेक्सचर क्रिएट किया, उसको इंक लगाई और प्रिंट किया, समझ आ गए। तो एक प्लेट को अगर आपको कार्व करने में टाइम लग रहा है, फॉर एग्जाम्पल वन डे टू डेज थ्री डेज, अगर बहुत ही डेलिकेट प्रिंट प्लेट है तो मेरे ख्याल से इससे भी ज़्यादा टाइम लगेगी, तो जब हम कोलोग्राफ पर डायरेक्ट कुछ इमेजेस एज इट इज पेस्ट कर देंगे टेक्सचर्स क्रिएट कर देंगे तो टाइम लेगा, टाइम कम हो जाएगा है ना, मीन्स वो इफेक्ट जो आप पेन से ले नहीं सकते या रेलिवेंट टूल के साथ आप नहीं क्रिएट कर सकते वो आप एज इट इज भी पेस्ट कर सकते, उसको क्या कहेंगे कोलोग्राफ। क्लियर हो गया, ये जो प्रोसेस है जो हमने स्टार्ट लिया था प्रिंट मेकिंग का 12th century, अब वो पहुंच चुका है 18th and 20th century पे,